ये देखिए नेक्स्ट रो हमारी दो फंदे सीधे और ये बंधा हुआ फंदा खोलेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, खोलेंगे ऐसे, फिर धागा आगे दो सीधी, फिर धागा अपने साइड और ये फर्स्ट रो सेकंड रो की तरह चल रहा है, ये सेकंड रो आपको डबल 12 रो बना के बता दे रही हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह पैटर्न चलता है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये। सेकेंड रो है, अब देखिए, अब जैसे थर्ड रो हमने बनाई थी वही रो आज चलेगी यहाँ पे भी। एक तो एज इट इज का उतारा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे किया और इसको स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और इसको स्लिप, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके इसको स्लिप किया, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे किया और इसको स्लिप किया, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके इसको स्लिप कर लिया। इसी तरह से ये पूरी सिलाई निकाल देंगे हम। अब फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि एक एक बुनाई चुन चुन के ला के फिर बनाना बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स, और आपके लाइक मिलते हैं तो फिर मुझे खुशी होती है कि हाँ मैंने किसी आप लोगों के लिए कुछ किया। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये देखिए फोर्थ रो पूरी उल्टी जाएगी, ये दो फंदे उल्टे, ये स्लिप किया हुआ स्लिप कर देंगे और दो फंदे फिर उल्टे, इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है ये बुनाई, बिगिनर्स फ्रेंडली बुनाई है ये, तो इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी इस तरीके की बुनाई आएगी। अभी मैं आपको और रो बना के दिखा दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसी बुनाई लगती है देखने में, तो आपको बना के और दिखाती हूँ।